ध्वनि तुम्हें क्या नहीं पता चल रहा? यस मैम, वो 3/4y+3=21, उसमें 3y हो जाएगा, ऐसा होगा मैम। फिर से बोलो, 3/4 3/4y+3=12 मैम, 21 सॉरी 21। यस मैम, तो प्लस 3 लग जाएगा तो माइनस 2, तो 3/4y 21 - 3 = 18। अब 3/4 इधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3/4 का हो जाएगा 4/2, 3/4 विल बिकम 4/3। ओके मैम, मैम मुझे लगा कि वो एफ वाला भी एक बार करवा दो, 3y/4 हो जाएगा। ओके चलो, अब आज ना बेटा मैं तुम्हारा एक छोटा सा 15 मिनट का सरप्राइज टेस्ट है। अब जो मैंने पहला सम दिया था तुमको इस वर्कशीट का, मीन मीडियम मोड का, शेयर द स्क्रीन, आई विल शो यू द आंसर्स। मैं सेल्फ चेक करना है। हाँ बेटा, तो अपने अपने आप को तो अपने पूरे मार्क्स दे देंगे अब, है ना? नो मैम, सबसे पहले तो देखो तुम लोग एडिशन करना ही, तुम्हारा इतना टाइम लग गया ना, उसका रीजन है कि एडिशन यहाँ पे सीधा वर्बली एडिशन करो। एवरीबॉडी विद मी, 1 + 2, व्हाट इज 1 + 2? 3, 15, 24, 24, 24, 24, 27, 39, 31, 31, 32, 36, 36, 35, 45, 46, 47, 47. तो यहाँ पे पीछे 7 और इधर लग जाएगा 4, 4 + 5, 9, 9 + 3, 12, 12 + 2, 14, 14 + 3, 17, 17 + 9, 26, 26 + 2, 28, 28 + 1, 29, 29 + 2, 31, 31 + 2, 33, 33 + 1, 34. कितना टाइम लगा एडिशन करने में? बहुत, 2 मिनट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवीजन तो करना ही नहीं है क्योंकि इसका मीन आ गया 34.7। मैम मेरा करेक्ट है, मैम मेरा भी। अब करना है मीडियन, तो मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबको अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इधर? 29, 32, 32, 33, 51 and 93, 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 93, 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
उसमें भी आ जाएगा। यहाँ से कट, इधर से कट, इधर से कट, इधर से कट, इधर से कट, 26, 32 कट गया। अब तुम्हें फाइंड यही दोनों नंबर्स बचे, इसके बीच में नंबर फाइंड करना है।
तो 29 और 29 के बीच में, तो 29 प्लस 29 अपॉन 2 मीडियन क्या हो जाएगा, भले इवन नंबर हो। 29 प्लस 29 इज इक्वल टू 58 अपॉन 2 कितना हुआ 58 अपॉन 2 व्हिच इज अगेन 29 मैम माय आंसर इज राइट मीडियन इज 29 मोड 29 और रेंज जब तुमने ऑलरेडी मीडियन बनाया है तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया ही है तो तुमको पता है कि सबसे बड़ा नंबर 93 है सबसे छोटा नंबर 83 81 तुमको किस चीज में इतना टाइम लग रहा था पता नहीं। चलो अब आंसर्स चेक करते हैं, मैं नीचे कर रही हूँ, नीचे आंसर्स लिखे हैं और अपने आंसर्स चेक करो, जिसने जितने भी किए हो 1-5 करने दे, जिसने जितने भी किए हो। फर्स्ट का तो मीन 34.7, मीडियन 29, मोड 29, रेंज 81, फर्स्ट का हो गया। सेकेंड का 72.2 मीन है, मोड 2 है, मतलब दो ऐसे नंबर्स होंगे जो ज्यादा सेम नंबर ऑफ टाइम्स है, तो 78 और 91 मोड 2 है, मीडियन 80 है और रेंज 73 है। मैंने 3 ही किए तो 3 चेक कर लो बेटा, 3 किए। मैम सॉरी पर मैम मेरे 4 ही हुए थे, मेरे सारे तीनों करेक्ट है देवांश। यस, 3 से ज्यादा किसी ने किए? मैम मैंने 4 किए। मैम मैंने 4 किए। 4 में से कितने राइट है? मैम कर रहा है अभी। कितने किए थे? मैम एक ही हो पाया था। एक्सीलेंट मैम, वो नहीं बीच में पूरी काली घंटा हो गया, एक ही हो पाया। इतने बड़े नंबर्स नहीं थे बेटा, 2-digit नंबर्स ही थे और मैंने तुम लोगों को सिखाया है एडिशन कैसे करना है, नॉट द वे यू आर डूइंग। डिवीजन तो करना ही नहीं था, सब कुछ डिवाइड बाय 10 है, सब में डिवाइड बाय 10 है, तुमको सिर्फ एक डेसिमल लगाना था, डिवीजन करना नहीं था, मीडियन में अरेंज करना था। जब अरेंज करोगे तो मोड भी पता चल जाएगा और रेंज भी पता चल जाएगा। स्टिल नहीं हुआ, एक शाम को हार्डली 2 मिनट लगेंगे। मैम मेरा हो गया चेक, मैम मीडियन के अलावा सब हो गया था फोर्थ में। मैम मेरा हो गया चेक, मैं अभी फोर्थ में मीडियम और मीन के सिवा सब हो गया, दोनों हो गए थे। ओके कंप्लीट नहीं कर पाए टेस्ट, 25 मिनट्स दे दिए मैंने तुमको। ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद नाउ आवर एक्सरसाइज 4.2। मैंने होमवर्क का मेरे को मत बोलो बेटा, बार बार होमवर्क मेरे को पता है। सरप्राइज टेस्ट मुझे लेना था, तुमने सरप्राइज मुझे दे दिया परफॉर्म नहीं करके। एडिशन के लिए इतनी कंप्लेन, मैम एडिशन दिया है टाइम लगता है ना तीन।
एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. Solve the following. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? सबसे पहले जो find करना हो ना question में वही हमारा unknown variable. क्या फाइंड करने को बोला है? व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? हमारा अनुमान वेरिएबल वही होगा. हम लिखेंगे सपोज लोएस्ट स्कोर इज एक्स. अब स्टेटमेंट फिर से पढ़ेंगे. बेटा वर्ड प्रॉब्लम का यही एक ट्रिक होता है, जब तक इक्वेशन ना आ जाए ना तब तक रीड करते जाओ वर्ड प्रॉब्लम को, अपने आप पता चल जाएगा क्या करना है. फिर से रीड करेंगे. द टीचर टेल्स द क्लास दैट, हां इसे बार कन्वर्टेड स्टेटमेंट को, दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज इज कैन इक्वल्स ट्वाइस, मतलब टू मल्टीप्लाई, ट्वाइस मतलब टू मल्टीप्लाई लोएस्ट मार्क. लोएस्ट मार्क कितने हैं? X plus 7. Statement को convert किया. Highest marks obtained is twice lowest score plus 7. अब highest mark जो दे रखे हैं उनको question में. Highest marks are 87 equals to 2x plus 7. अब हम ये unknown variable find करेंगे. तो plus 7 will come from this side. So it will be 87 minus 7 equals to 2x. What is 87 minus 7 is? 80 equals to 2x. So x की value क्या होगी? 2 जो है multiply में चला जाएगा डिवाइड. 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40. देखो x की वैल्यू आ गई 40 मार्क्स. ये लोएस्ट है, सबसे कम जिस पे आए है वो 40 मार्क्स है और सबसे ज्यादा 87 मार्क्स है. हाईएस्ट 87 है और लोएस्ट 40 मार्क्स. अंडरस्टूड? लिख लो. यस. Ma'am done. Ma'am done. Next. In an isosceles triangle, is a triangle जिसमें दो साइड इक्वल होती है. एनी टू साइड्स आर इक्वल. कोई लिखेगा नहीं, पहले इधर समझोगे उसके बाद लिखोगे.
base angles are in an isosceles triangle, the base angles are equal. Base यानी ये, इसको base बोलते हैं, इसके ऊपर triangle खड़ा है, वो base क्या है? C, B, उसके ऊपर जो दोनों angles हैं, इसे बोलते हैं base angle. वो दोनों same हैं, वो दोनों equal हैं, मतलब अगर ये 20 degree है, तो ये भी 20 degree है, ये 60 degree, तो ये भी 60 degree. ये 50 तो ये भी 50 ऐसा जो भी एंगल है दोनों सेम ही एंगल्स है दोनों के बेस एंगल्स आर इक्वल ओके द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री ये दोनों को छोड़ के जो तीसरा एंगल है ये दिया है 40 डिग्री दैट इज 40 डिग्री What are the base angles of the triangle? हमें ये दोनों find करना है। तो जो suppose find करना है, वही हम suppose करते हैं। तो suppose base angle be x, ये दोनों x and x, दोनों same x, दोनों की value same ही होगी, दोनों x x ही होंगे। अब सबको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री सो वी लगता है दैट x प्लस 40 तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री अब मेरे को बताओ ये क्या होता है x प्लस x क्या होता है 2x 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 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 मैम 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 40 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री करेक्ट यस 2x इक्वल टू 180 degree minus 40 minus 40 degree is equal to equals to 140 degree 140 ma'am x is equal to 140 upon 2 divided by 2 x is equal to 70 70 70 degree and we have to draw this x plus 40 is equal to 180. 2x plus 40 is equal to 180. 2x equal to 180. 40. Ma'am, done. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Done. Sachin scored twice as many runs as Rahul.
together their runs fell too short of a double century. What is double century? 200. 200 में too short मतलब कितना हुआ? 100. Double century मतलब 200. उसमें से बोला है together their runs fell too short. दो रन शॉर्ट यानी 190. 200 में से 200 बनाने में उनको दो रन कम पड़ गए थे. टू रन फेल शॉर्ट मतलब दो रन कम हो गए. तो 200 में 2 माइनस करो तो कितने रन हुए? 198. तो उन दोनों के रन मिला के कितने रन हो रहे थे? 198. हाउ मेनी रन डिड Each one score. अब सचिन और राहुल का स्कोर कैसा है कि एक ने दूसरे से डबल बनाए हैं. मतलब सपोज एक ने 50 बनाए तो दूसरे ने डबल 100 बनाए हैं. एक ने 60 बनाए तो दूसरे ने 120 बनाए हैं. डबल ठीक है. किसने बनाए हैं डबल? सचिन स्कोर ट्वाइस. सचिन राहुल राहुल के रन अगर x है तो सचिन के डबल है. सचिन के रन डबल है. जितने राहुल बनाए उसने डबल बनाए उसने ठीक है. और ये दोनों के रन मिला के मतलब x और 2x मिला के 198. इसका इधर लिख दो कैसे 198 हुआ. डबल सेंचुरी मतलब 200 में से टू शॉट मतलब दो रन का. डबल सेंचुरी मतलब 200. सेंचुरी मतलब 100. डबल सेंचुरी मतलब 200. 200 में से टू लेस. मैम कैन आई से व्हाट वी विल डू? हाँ मैम. 198 डिवाइडेड बाय 2 देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड देन वी विल नो मैम 100 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा. मैम कैन आई से ये 1 है. 1 प्लस 2 कितना होगा? 3x. 3 मैम मैं वही बताने वाला था. 3x is equal to 1. मैम फिर x is equal to 198 डिवाइडेड बाय 3. मैम 1/3 पार्ट भी फाइंड कर सकते हैं. 66. राहुल ने कितने स्कोर किए रन्स? 66. मैम सचिन के लिए उसके डबल कर देंगे. हाँ सचिन ने स्कोर किए 66 के डबल मतलब 2 मल्टीप्लाई 132. 132 डबल 132. मैम तो ऐसे 2x प्लस 2x होता तो 4 होता मैम. हाँ 2x प्लस 2x होता तो 4. ओके ओके. अब बेटा लिसन केयरफुली. मेरे को अब जिसके स्कूल में 1 2 3 4 हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 खत्म हुआ है. अब जिसके स्कूल में 1 2 3 4 के अलावा कोई चैप्टर चला है वो हैंड रेस कर दो. मैम 1 2 3 4 के अलावा एक स्कूल का एक ही स्टूडेंट हैंड रेस करना. बेटा एक स्कूल का एक ही स्टूडेंट हैंड रेस करना. 1 2 3 4 के अलावा बोलो जिया कौन सी स्कूल? स्कूम. मैम हमारा चैप्टर 14 और 15 खत्म होने को आया. बेटा तुमको 14 सिमेट्री करा नहीं दिया? नो मैम. आपने मैम गलती से जीएसबी में बता दिया था. मैंने गलती से नहीं बताया था क्योंकि तुम वहां पे आ रहे थे ना इसीलिए बताया था.
मैम तो मुझे लिख रहे हैं, मैंने कर तो दिया है पर मैं लिख दूंगी नोटबुक में। 15 अलग और कोई चैप्टर अलग नहीं है ना? नो मैम, 1, 2, 9, और 3। Yes, ma'am. Chapter number 6, Triangle and its property. KVS. DBS. Kendriya Vidyalay, KVS. बस 1, 2, 3, 4, और 6 कराए, 5 नहीं करवाया तुमको, 9 कराएंगे? Yes, ma'am. सारे करवाए हैं, अभी 6 चालू हुआ है. बेटा मैंने ये नहीं पूछा क्या चालू हुआ है, मैंने बोला जो चैप्टर डिफरेंस है वो बताओ। हमारे 1, 2, 3, 4 हो गए, उसके अलावा स्कूल में क्या चला है तुम्हारा वो बताओ। यस मैम, मैम हमारे 1, 2, 5। बेटा एक मिनट, बीच में कोई नहीं बोलेगा, हैंड रेस करो। हाँ, 6 चैप्टर चला है, 5 नहीं चला, वो भी चल चुका है पर अब ये वाला है। तीर्थ बेटा तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैम पर वो तो आपने करवा नहीं दिया था, 9 से रैंकस हो गया हमारा। आपने अभी लीव ली थी तब नहीं करवाया था। मैम तेजल मैम ने करवाया था। मैम फिर आपने ना वो 5.2 कराई थी पूरी। यस मैम, तो तुम्हारे 5 चैप्टर हो गए, ठीक है। सो तुम्हारा फिर तो मेरे को 5 ही चैप्टर का एग्जाम मिलना चाहिए,13 और चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, नेक्स्ट इज आयुष मैम, चैप्टर 6। कौन सी स्कूल? शिवाशीष। ठीक है, हर्ष। यस मैम, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 6। कौन सी स्कूल? मैम अमृता विद्यालय। ओके, तो अब ये मेरे को ये क्वेश्चन बताओ मेरे को अब।